नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इंडियन नेवी डबल ए और SSR के एग्ज़ाम को लेकर, कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा और इस बार जो कितने कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे फिजिकल और मेडिकल के लिए। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखेगा, कम्प्लीट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ के बारे में। तो यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं आपके रिज़ल्ट डेट को लेकर, कि आपका रिज़ल्ट डेट क्या रहने वाली है। तो देखिए, आपका जो इंडियन नेवी के द्वारा जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता, 10 से 12 दिनों के अंदर आपका रिलीज़ कर दिया जाता है। बट इस बार आपने देखा थोड़ी सी प्रॉब्लम इंडियन नेवी के साथ चल रही है, वो क्या है कि आपने देखा कि देहरादून सेंटर के सभी जो एग्ज़ाम थे वो कैंसिल कर दिए थे, और वो आपके रिशेड्यूल्ड किए थे 26 और 27 तारीख को। ठीक है, उनके बारे में 26 और 27 को आपको न्यूज़ थी। और दूसरा यदि हम बात करें तो एक दो सेंटर और थे मुंबई में, ठाणे के अंदर और भी कई सेंटर थे, वो आपके एग्ज़ाम थे वो कैंसिल कर दिए गए थे। तो उनका जो एग्ज़ाम है अभी लेट होगा, 26 या 27 तारीख को आपका उनका एग्ज़ाम होने वाला है। दैट मीन्स आपके यहाँ से 7 से 8 दिन और पीछे आपका ये हो जाएगा। यदि आपका ये एग्ज़ाम डिले नहीं होता तो आपका जो रिज़ल्ट है वो फ्रेंड्स 1 अक्टूबर से लेकर 2-3 अक्टूबर के बीच बीच में आपका जो रिज़ल्ट है वो 100% जारी किया जा सकता था, बट अब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, होप देखिए इंडियन नेवी के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे तो वो रिज़ल्ट को जल्दी भी जारी कर सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग जो आपका इंडियन नेवी का जो रिज़ल्ट है वो 5 अक्टूबर के बाद में होगा। ठीक है, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम होगा वो भी, उनको भी सभी का जो रिज़ल्ट है वो एक साथ कैंडिडेट को मिलाकर सभी का निकाला जाता है। कट ऑफ तैयार होती है, जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो सभी कैंडिडेट को मिलाकर होती है। तो इसीलिए कम से कम 10 दिन तो इंडियन नेवी का क्या किसी भी रिज़ल्ट को निकालने में कम से कम 10 दिन चाहिए, और जब 26 से 27 का एग्ज़ाम होगा तो 10 दिन आपके 5 तारीख के बाद होंगे, तो 5 से लेकर 10 तारीख तक आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर होने की संभावना होंगी। अब बात कर लेते हैं हम कि कितने कैंडिडेट हैं जो फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, दैट मीन्स रिटर्न एग्जामिनेशन कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर कोई भी नॉर्मलाइजेशन आपकी नहीं होगी। जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा एयरफोर्स के एग्ज़ाम में देखा, चाहे किसी का एग्ज़ाम टफ हो चाहे इजी हो, जो मार्क्स आ रहे हैं आपका वही आएंगे। डबल ए की कट ऑफ है जो एक जाएगी ऑल इंडिया लेवल पर, और SSR की जो स्टेट वाइज कट ऑफ जाने वाली है, अपने अपने स्टेट की एक अलग अलग कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इंडियन नेवी का जो ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन है उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल वैकेंसीज़ के 4 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए इनवाइट किया जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए, बात करूँ मैं MR के एग्ज़ाम के अंदर अप्रोक्सीमेट 400 वैकेंसी है, तो MR के लिए 1600 कैंडिडेट है जो वो क्वालिफाई किए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें आपके SSR के लिए तो 2500 के आसपास वैकेंसी है, तो 10000 कैंडिडेट है वो आपके क्वालिफाई किए जाएंगे। और डबल ए के लिए 500 वैकेंसी होंगी तो आपके 2000 कैंडिडेट है वो क्वालिफाई किए जाएंगे। इनके बाद इनका फिजिकल होगा, कुछ स्टूडेंट्स फिजिकल में आउट होंगे, फिर मेडिकल होगा, कुछ मेडिकल में आउट होंगे। उसके बाद फाइनल फ्रेंड्स जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जो दिसंबर के अंदर आएगी, उसके अंदर आउट हो जाएंगे। वैकेंसी जितनी होंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए जाएंगे, कब रिजल्ट आएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय। जय हिंद, जय भारत।